हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कपूर फैमिली व्लॉग्स। और अभी सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के 5 बजे का टाइम था, तो मैं बना रही थी गोभी मटर की सब्जी। और थोड़ी सी ना मैं लेट हो गई, मुझे उठना तो 4 बजे था पर नींद मेरी खुली 4:45 बजे के करीब। तो बस अब जल्दी से सब्जी वगैरह बना रही थी मैं, और रात को ही गोभी ना मैंने काट ली थी। और बच्चे भी उठ चुके हैं और ये भी अंदर उठ गए थे, तो आज जल्दी जल्दी इसलिए बना रही हूँ सब्जी क्योंकि इनको ना अभी जाना है, दिल्ली से बाहर जाना है, पंजाब जाना है इनको, तो फिर किसी काम से ही जाना था। तो मैं बस सब्जी वगैरह बना रही थी और दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी थी क्योंकि ये नहाने गए हैं तो इनको जल्दी निकलना था। तो थोड़ी सी ना लेट हो गई थी इसलिए फिर जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी। बस अभी तैयार व्यार होके निकल रहे थे और हमें भी अभी जाना है कहीं पर। अरे पापा काम से जा रहे, पापा पिक का टी शर्ट लेने जा रहे हैं। अरे ले लेंगे, खाना खा लो या ना, चलो जल्दी नहा लो। और ना यहाँ पे ये सूखा है कि घर के ना एकदम साथ में मंदिर है, तो मंदिर भी ना खुल गया था क्योंकि अभी ना कार्तिक की कथा वगैरह शुरू हो रखी है मंदिर में, तो 4:30-5 बजे के करीब मंदिर ना खुल जाता है। तो बस अभी ये तो अब जा रहे हैं, बच्चों को नहलाऊंगी, मैं तो नहा के आ चुकी थी, बच्चे दोनों नहाएंगे क्योंकि ना हमें भी अब बस थोड़ी देर में निकलना है। बच्चों के स्कूल जाने से पहले हमें ना अपनी बहन के घर जाना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बस मैं नहा के आ गई, नहा के तो मैं उस टाइम आ गई थी जब ये थे, तो मैं ना आज थोड़ी सी लेट हो गई मुझे उठने में ना, क्योंकि मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठ के फिर सब्जी भी बनानी थी तो जल्दी उठ जाऊंगी, पर नींद ही लेट खुली फिर इनको मैंने उठाया क्योंकि फिर इन्होंने 5 बजे ना निकल जा रहा था और निकलते निकलते टाइम हो गया शायद 5:30 बजे, 6:30 बजे के करीब निकले थे। तो मैं बस अब बच्चे भी उठ गए जल्दी, अब दोनों बच्चे नहाएंगे, अभी टाइम तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ तो अभी पर दोनों बच्चे नहाएंगे। हमने जाना है इनकी मासी के घर क्योंकि वहाँ ना प्रभात फेरी है, तो हम लोग बस वहीं जाएंगे। अब दोनों एक एक करके नहाते हैं, मैंने इनका लंच तो बना दिया, बस लंच पैक करूँगी। अब आपको कुछ दिखाऊँ, आप दिवाली की पे ना हमारे घर कुछ लिए लेके आए थे आप लोगों ने, पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेके आए थे, दिखाते हैं। अभी टाइम भी 6 बजे है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि हमारे ना 2019 में ना घड़ी टूट गई थी दीवार वाली, और उसके बाद आई नहीं थी। दीदी हंसती थी कि मैं दे देती हूँ, तुम नहीं लेके आ रहे थे, पर पता नहीं क्या घड़ी नहीं आई थी, तो अभी लेके आए थे। पूरे 1 साल हो गया मैं वीडियो बनाते हुए, मुझे तो आप देखोगे कि हमारे घर में घड़ी नहीं है, मैं सिर्फ फ़ोन में से टाइम देखती थी। तो चलो फिर अब दोनों बच्चे नहा लेते हैं, उनको तैयार व्यार करके लेके जाऊंगी क्योंकि फिर जैसे ही आएंगे वैन आई होगी तो स्कूल चले जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। काम तो अभी आके करूंगी मैं तो बाद में ही। तो आज कुर्ता भी मैंने ना बिना प्रेस के डाल लिया, देर होती मैंने कहा प्रेस क्या करने, यहीं तो जाना है। तो चलो फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। आज दोनों बच्चे भी ना देखो कितनी जल्दी आज नहा लिए, और यार अभी कहीं जाना होता है ना तो कितनी जल्दी उड़ जाती है। बस अब जा रहे हैं वहाँ पे, देर हो गई है, 6:15 बज गए हैं। क्या हुआ? अभी सारे सो रहे हैं, अभी आना उठ गई है सबसे पहले। चलो Bye.
A few moments later. आज याना ना स्कूल में पढ़ने नहीं जा रही, आज पता है क्या करने जा रही है? आज याना स्कूल में जा रही है सोने के लिए। सुबह जल्दी उठ गई और अभी से आ रही है नींद। कोल्ड की वजह से आ रही है। कोल्ड की वजह से कोई नहीं आ रही। और सुबह मैंने इसको बोला भी था रात को कि मैं नहीं उठाऊंगी, और इसने मुझे जिद करके कि नहीं जब पापा जाएंगे ना तो मुझे उठा देना उससे पहले, और नहीं उठाती तो फिर ये रोती, और वैसे भी वहाँ भी जाना था तो इसलिए फिर जल्दी उठाना पड़ा, क्योंकि ये धीरे धीरे करती है, फिर नहाती भी नहीं। अब इसको नींद आ रही है, तंग कर रही है। अब बस आने वाले इनके वैन वाले अंकल। दोनों बच्चे ना स्कूल चले गए, और यार ना बड़ा तंग कर रही थी सही में, और ये शुक्र है कि चली गई। और अब बस पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि सुबह ना जोत में जलाई थी, तो अब पूजा करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी अपने लिए। तो चलो फिर पूजा कर लेती हूँ जल्दी से। तो पूजा ना कर ली मैंने, और सुबह ना वैसे सुबह की पूजा तो ना यही करते हैं, पर सुबह देर हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं बाद में कर लूँगी। तो बस अब पहले सामान वगैरह उठाऊँगी, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी। पहले थोड़ा सा सामान उठा दी क्योंकि पूरा ना फैला हुआ है अभी, फिर बाद में आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और अभी ना मैं नाश्ता करने की बजाय ना पता क्या खा रही हूँ, सुबह सुबह मूंगफली खा रही हूँ, क्योंकि अभी चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था, और अकेले वैसे ही मेरा दिल नहीं करता चाय वाय पीने का। अब शाम को आज मुझे अकेले ही पीनी पड़ेगी चाय, क्योंकि ये तो रात को आएंगे 11-12 बजे के करीब आएंगे, शायद लेट भी हो सकते हैं, और अभी दिल नहीं कर रहा था। बस मैं अब यहीं बैठी हुई हूँ, सामान वान तो उठा दिया मैंने, और साथ में ना वहाँ दूध का प्रसाद मिला था तो बच्चों ने पिया नहीं था, थोड़ा थोड़ा बचा दिया था मैंने, दोनों का मिक्स करके ना फिर गर्म कर लिया। और इनका फ़ोन आ गया, मैं पहले फ़ोन कर रही थी, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो चलो फिर मैं इनसे बात करती हूँ अभी। और अब मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है, और टाइम ना नाश्ता और लंच अब मेरा दोनों एक ही साथ हो रहा है। और टाइम दिखाऊँ आपको, अब तो घड़ी लगी हुई, अब तो मैं आपको टाइम दिखा सकती हूँ। टाइम देखो पौना एक बज रहा है, अब दोनों लंच भी हो जाएगा मेरा और नाश्ता भी एक ही साथ हो जाएगा, क्योंकि दिल ही नहीं किया मेरा नाश्ता करने का। बस उस टाइम वही जो थोड़ा सा दूध लिया था और मेरी फेवरेट मूँगफली वो खाई थी मैंने, मूँगफली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं गर्मियों में भी ना मूँगफली का वेट करती हूँ, लेकिन फिर गर्मियों में तो मूँगफली आती नहीं है, और ना आती तो है लेकिन हम खा नहीं सकते, तो मुझे मूँगफली सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमारे पूरी सर्दी मूँगफली रहती, क्योंकि उससे कहते हैं कि कैल्शियम वगैरह भी ना सही रहता है, देखते हैं मेरा कितना कैल्शियम बढ़ता है। तो चलो फिर जल्दी से नाश्ता कर ले, नाश्ता लंच जो भी है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम करना है बच्चों के स्कूल से आने से पहले, नहीं तो वो आ जाएंगे ना वो करने नहीं देते, स्पेशली तो याना नहीं करने देगी। तो जल्दी से नाश्ता वगैरह करती हूँ मैं आपको दिखाऊँ मैंने जो ज़रूरी काम करना था ना मैंने कर लिया है, पता है इन लोगों के आने से पहले। आ गए दोनों शैतान बच्चे आ गए, और देखो यहाँ पर मैंने बैग वैग सब निकाल लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं शिरडी जा रहे हैं, जिसका हमें 2 साल से इंतजार था, हम लोग जा रहे हैं शिरडी जा रहे हैं ना, कहाँ गया मजाक था ये, अभी नहीं जा रहे हम लोग, अभी देखो कब जाते हैं, जब हमारे साईं बाबा जी हमें बुलाएंगे, जब हमारे बच्चों के दादू बुलाएंगे हमें, जल्दी से बुला ले हमें शिरडी, हम 2020 में गए थे लास्ट, बस अब जल्दी से बुलाए हमें, बहुत बेताब हो रहे हैं हम लोग जाने के लिए। और अभी बैग इसलिए निकाले क्योंकि इसमें बच्चों के सर्दियों वाले कपड़े हैं, अभी मौसम तो इतना चेंज हुआ नहीं है, बस हल्की फुल्की जो हवा चलती है और मच्छर बहुत ज़्यादा काटने लग गए हैं, तो बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े डालूंगी, तो इसलिए बस निकाले हैं। और सुबह से ना हालत बड़ी हो रही है, पसीने आए जा रहे हैं मेरे को, तो सुबह हेयर वॉश किया था लग भी नहीं रहा, बाल बड़े अजीब से हो गए हैं। तो चलो फिर इन शैतान बच्चों के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया,
अगर इनके सामने निकालती ना तो स्पेशली याना दो, मेरी पिचकारी निकाल दो, मेरा ये निकाल दो, वो निकाल दो, जो मेरा 10 मिनट का काम था वो मुझे लग जाते 20-25 मिनट। तो बस अब शैतान बच्चों को खाना बना के दूंगी, सब्जी बनी हुई है और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना आप लोग, नेक्स्ट व्लॉग ना बहुत ही अलग नेक्स्ट व्लॉग है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और याना मैडम जी मेरी दवाई के साथ खेल रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बच्चों को खाना वाना देती हूँ मैं, बाय।